व्हाइट हाउस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ताइवान का राष्ट्रपति बताया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक कागज में जिनपिंग को रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रपति बताया गया। आपको बता दें कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का आधिकारिक नाम है। यह आधिकारिक प्रतिलिपि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर के दफ्तर से जारी हुई थी। इससे कुछ ही घंटे पहले G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। G20 में जिनपिंग और ट्रंप के बीच काफी दोस्ती दिखी थी। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग जैसा दोस्त पाना उनके लिए सम्मान की बात है, लेकिन इसी मौके पर जारी आधिकारिक प्रतिलिपि में व्हाइट हाउस ने जिनपिंग को ताइवान का राष्ट्रपति बता दिया। चीनी मामलों के जानकारों ने व्हाइट हाउस द्वारा की गई इस गलती की आलोचना की है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन महिला हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं। वो जिनपिंग की राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानी जाती हैं। इससे पहले जॉर्ज बुश के कार्यकाल के दौरान भी ऐसी ही एक चूक हो गई थी। 2007 में बुश टीम ने चीन के बदले ताइवान का राष्ट्रगान बजा दिया था। कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ट्रंप ने ताइवान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसकी वजह से चीन काफी नाराज भी हुआ था। टीम इंडिया लिंक्स।